मैसाना से द्वारका मीन्स अहमदाबाद राजकोट प्रॉपर मेरी जो हाइट है उस हिसाब से सीट को मैनेज किया है। द्वारका का बस स्टैंड है। जय द्वारकाधीश, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। अभी मैं हूँ फिलहाल मेहसाणा के ओल्ड बस स्टैंड में। टाइम आपको मैं दिखा दूँ, 7 बजने को आए। सो आज की हमारी जर्नी बहुत ही स्पेशल है, दिवाली का टाइम है। सो आप सबको हैप्पी दिवाली। और मेहसाणा बस पोर्ट से हम जाने वाले आज देवभूमि द्वारका। जस्ट रिसेंटली 2-3 दिन पहले GSRTC ने ब्रांड न्यू पर्पल कलर में नॉन AC स्लीपर कोच को लॉन्च किया है। सो इस वाले रूट पे इस वाली बस को दिया है। 6 बजे के आसपास हमारे यहाँ मेहसाणा के जो MLA थे उन्होंने यहाँ पे आके लीली झंडी दिखाई। इस वाले वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा फुल जर्नी मेहसाणा से द्वारका तक, हमारी देवभूमि द्वारका तक। GSRTC की ब्रांड न्यू पर्पल कलर की नॉन AC स्लीपर बस है, उसकी फुल जर्नी नाइट जर्नी बोल सकते हैं। फर्स्ट बार हमें लेके आए इस वाली चैनल पे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम न गवाते। 7 बजे का टाइम है हमारी बस का, यहाँ से मेहसाणा के ओल्ड बस स्टैंड से सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। रूट कितना फेयर लगता है, कहाँ कहाँ से निकलती है, कितने बजे हमको द्वारका छोड़ती है, कौन से कंडक्टर है, कौन से ड्राइवर है, सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। तो ये रहा हमारा मेहसाणा का ओल्ड बस स्टैंड है। अभी बस को लगने दीजिए, फिर आपको बस दिखाता हूँ, फिर बस दिखा के हम निकलते हैं देवभूमि द्वारका के लिए। ये रही हमारी GSRTC की ब्रांड न्यू पर्पल कलर में नॉन AC स्लीपर बस। यहाँ पे आपको दिखा दूँ स्लीपर बस कैसी दिख रही है। ऑलरेडी हमने इसका रिव्यू किया है, मोटेरा डिवीजन में आती है, स्लीपर कोच लिखा हुआ। यहाँ पे रूट बोर्ड हो गया मेहसाणा से द्वारका मीन्स अहमदाबाद राजकोट, और जो भी आएगा आपको दिखाया जाएगा। ऐसी कुछ बस है, टर्बो इंजन प्लस BS6 मॉडल है। अभी जस्ट फर्स्ट डे फर्स्ट शो है आपके लिए। आप देख लीजिए 9 नंबर के प्लेटफॉर्म पे लगी है मेहसाणा ओल्ड बस पोर्ट पे, ये देख लीजिए ऐसा कुछ बस पोर्ट है। चलिए अंदर चलते हैं और आप देख लीजिए ऐसी कुछ बस दिख रही है पर्पल कलर में, बहुत ही प्यारी दिख रही है। डिजाइन भी मिनिमल है, स्लीपर कोच इसमें जो है न्यू डिजाइन न्यू लुक और न्यू कलर के साथ स्लीपर कोच को हाइट के साथ इंक्रीज किया है। सो चलिए अंदर चलते हैं। ये रहे हमारे ड्राइवर साहब, कैसे है? मजे में। क्या नाम है आपका? हितेश भाई। और ड्राइवर कैबिन व्यू अशोक लेलैंड की बस है, और इसमें आप पहले ओल्ड बस चलाते थे GSRTC की, और ये वाली बस में आपको कुछ डिफरेंस मतलब अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। और इसमें कुछ एयर क्लच और वो सब है ना? सो ठीक है, इनसे बातचीत करेंगे। और ये हमारे कंडक्टर साहब है, क्या नाम है आपका? जीतू भाई सोलंकी। ये वाला रूट बोर्ड है, क्या नाम है आपका? किरीट भाई चौधरी। ये हमारे एज अ फ्रेंड है मेहसाणा डेपो में, इन्होंने हमारी आज की जो ट्रिप की है अरेंज करवाया। इसमें आपको दिखाया जाएगा अंदर से कैसी बस है, सब कुछ दिखाया जाएगा। पहले चलते हैं हम मेहसाणा से आगे की ओर, फिर सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, और आप सब एक बार कॉमेंट में जरूर लिखेंगे जय द्वारकाधीश। चलिए सात बज के 24 मिनट हो रहे हैं। अभी हम पहुंचे हैं मेहसाणा बस पोर्ट। ये है मेहसाणा बस पोर्ट, जो पहले आपने जो देखा वो था सेंट्रल बस पोर्ट मतलब जो ओल्ड बस पोर्ट था। ये है मेहसाणा का बस पोर्ट, दो बस पोर्ट है मेहसाणा में। ये रहे हमारी बस, आप देख लीजिए कितनी प्यारी दिख रही है। और साथ ही साथ ये चाणसमा नासिक, ये वाली GSRTC की केसरिया रंग में स्लीपर कोच है नॉन AC, और ये वाली नई है। सो कैसे दिख रही है, कौन सी बेटर है, कौन सी कलर वाइज है, लुक वाइज, सब आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, 2 मिनट यहाँ पे पैसेंजर जो आएंगे उनको बोर्ड करेंगे, और फिर यहाँ से भी चलेंगे हम आगे की ओर। अभी आपको अंदर से दिखा देता हूँ अंदर से कैसा है इंटीरियर, वो फेयर कितना मुझे लगा है, कितनी सीट्स है, सब कुछ। चलिए अंदर चलते हैं, मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ ड्राइवर कैबिन व्यू, यहाँ पे फैन हो गया ड्राइवर के लिए, यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट है ड्राइवर के लिए, फर्स्ट एड किट हो गई। यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट किया है, इसमें कचरे का डिब्बा दिया है इस बार, ये फायर एक्सटिंग्विशर हो गई। इतनी स्पेस है पीछे की साइड, अगर ड्राइवर का कुछ सामान वामान हो तो रख सकते हैं, ऑलरेडी रखा हुआ है। और देख लीजिए इस बार इसमें भी चेंज किया हुआ है, सीट में पर्पल कलर दिया है, और ये पुशबैक सीट है, और यहाँ पे चार्जिंग भी दिया है इस साइड,
अभी चार्जिंग को भी चेंज किया है इस बार। इसमें जो है आपको डेटा केबल कैरी करना है और चार्जिंग हो जाएगा। ये कंडक्टर की सीट है, ये वाली पर्पल कलर में बहुत ही प्यारी दिख रही है और ऐसा कुछ अंदर से लुक है, आप देख लीजिए। नीचे आप देख लीजिए टोटल 30 सीट्स है, सारी की सारी पुशबैक सीट्स है और पर्पल कलर में, और साथ ही साथ और यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ वाटर वाटर होल्डर, मैगजीन होल्डर। चलिए आपको ऊपर से मैं दिखा दूँ कि कैसे स्लीपर दी है। यहाँ पे 2+1 का कॉम्बिनेशन है, तो सोलो के लिए यहाँ पे है। अगर कोई डुअल ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे डुअल है। ऐसे कुछ कंफर्टेबल सीट्स है और यहाँ पे सूर्य के वाटर बॉटल होल्डर हो गया, SOS हो गया और देन लाइट चालू है। आप देख लीजिए इस बार इधर दे दिया है, सो आपको दिख रहा होगा चार्जिंग। सो ऐसा कुछ है चार्जिंग, आप केबल कैरी कीजिए और देन यहाँ पे आप चार्जिंग कर सकते हैं। सो ऐसे कुछ है सीटिंग अरेंजमेंट, सो आप देख लीजिए। और ये रहा एमरजेंसी एग्जिट है और यहाँ पे इमरजेंसी विंडो है, यहाँ पे आपको हैमर दिया हुआ है। विंडो को ब्रेक कीजिए और देन यहाँ से आप इमरजेंसी में बाहर जा सकते हैं। ये रूट बोर्ड हो गया। इस वाली बस का टाइम है राइट मैसाना के ओल्ड बस स्टैंड से राइट 7 बजे निकलती है। और ये कुछ टिकट है, मैंने टिकट कटवा ली है, 370 रुपीज़ मुझे लगा है मैसाना से डायरेक्ट द्वारका का। इस वाली बस में टोटल डिस्टेंस होता है 600 किलोमीटर मैसाना से द्वारका तक का। इस वाली बस में हमारा टोटल टाइम लग जाएगा कुछ 13 घंटे के समथिंग। सुबह 8-8:30 बजे तक हमको द्वारका छोड़ देगी देवभूमि द्वारका, और देखते कितने बजे पहुँचते हैं। रूट आपका हो जाएगा यहाँ से मैसाना से अहमदाबाद, अहमदाबाद से राजकोट, जामनगर, वो आपको सब यूजुअली मैंने आपको दिखाया है, वही वाला रूट है। तो सोना है तो सो सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पे इस ऐसा हो सकता है, बहुत ही प्यारी है ऐसा है। सो इतना है, देख लीजिए मेरा पैर आपको मैं दिखा दूँ। मेरा पैर प्रॉपर, मेरी जो हाइट है उस हिसाब से सीट को मैनेज किया है। चलिए जर्नी को हम कंटिन्यू करते हैं टूवर्ड्स, आगे मैं आपको जो जो आता है वो दिखाता हूँ। वैसे ये आया है मैसाना अहमदाबाद का टोल टैक्स। अभी यहाँ से मैसाना अहमदाबाद का जो 4-लेन हाईवे है वो स्टार्ट होगा, सो डायरेक्ट हम अहमदाबाद को कनेक्ट करेंगे यहाँ से। बहुत ही खूबसूरत हाईवे है यहाँ से। राइट 8:30 होने आए और अभी हम पहुंचे अंबिका। ये कलोल में आता है ना, तो गाड़ी तो पूरी पैक ही चल रही है। साढ़े 8 हो रहे हैं, 8:36। अभी हम पहुंचे हैं अडालज ST पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट। ये देख लीजिए अडालज का नज़ारा, अहमदाबाद में एंट्री ले चुके हैं। सो कंडक्टर साहब, ये गाड़ी तो फुल पैक ही चलती होगी ना? ओके, आने जाने में दोनों में। देख लीजिए ऐसा कुछ है, बताना कल 9 बजे और अभी हम पहुंचे हैं रानी बस स्पॉट।
आप देख लीजिए राणिप का पासपोर्ट। यहाँ पे JSRTC की न्यू बसेस दी है अभी मेरे ख्याल से, पता नहीं मुझे। ये रही एक्सप्रेस बस, उसके बाजू में हमारी JSRTC नॉन AC स्लीपर बस, न्यू डिज़ाइन के साथ, न्यू लुक के साथ। ये वाली बस में आपको जर्नीस देखने को मिलेगी जल्द ही। ये कुछ है राणिप का पासपोर्ट। यहाँ पे भी एक मिनट का होल्ट है, यहाँ से चलेंगे हम गीता मंदिर पासपोर्ट। अहमदाबाद का नज़ारा, साबरमती नदी। साढ़े नौ बजे और पहुंचने वाले हैं गीता मंदिर, लेकिन आप देखिए JSRTC बसेस और ये ट्रैफिक, मेरे ख्याल से इसमें हमारा एक घंटा और निकल जाएगा। हाँ, क्या बोलते हैं कंडक्टर साहब, निकल जाएगा। देखते हैं अभी कितने बजे हम गीता मंदिर पहुंचते हैं, यहाँ से एक किलोमीटर ही है। चलिए, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ मेरी प्यारी सिटी अहमदाबाद में। अभी हम पहुँचे हैं अहमदाबाद गीता मंदिर सेंट्रल बस स्टैंड। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और राइड 10 बजने को आया, 10 बज गए और अभी गीता मंदिर सेंट्रल बस स्टैंड है। आप देख लीजिए JSRTC बसेस के लाइन टू बाय लाइन है। आधा घंटा लगा है हमको डेपो में आते आते। आज दीपावली का पहला दिन है, धनतेरस का, तो इसकी वजह से बहुत ही ट्रैफिक है। मेहसाणा के जो बोर्डिंग पॉइंट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अहमदाबाद का भी जो बोर्डिंग पॉइंट है जहाँ से आप बोर्ड कर सकते हैं इस वाली बस को, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको इजीली पता चल जाए। इस वाली बस पूरी पैक चलती है, तो आप रिजर्वेशन करके चलिए ताकि आपको इजीली द्वारका जाना है तो इस वाली बस में आपको सीट मिल जाए। तो चलिए चलते हैं हम आगे की ओर, हमारे देवभूमि द्वारका की। देख लीजिए, ये है गीता मंदिर सेंट्रल बस स्टैंड का आज का माहौल दीपावली का। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा रश है, लोग अपने दिवाली मनाने के लिए घर पे जा रहे हैं। हमारी स्लीपर कोच चलने के लिए तैयार है। यार पब्लिक देखिए आप, ये गीता मंदिर CBS का पब्लिक। बज के 40 मिनट और अभी हम पहुंचे हैं नेहरू नगर बस स्टैंड, पिकअप पॉइंट है ये। और ये हमारी खड़ी JSRTC की न्यू एक्सप्रेस बस, BS6 फेज 2 का मॉडल है। यहाँ पे भी बहुत सारा भीड़ है, आपको द्वारका आना है तो यहाँ से भी आप बोर्ड कर सकते हैं। आप देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है आज नेहरू नगर का पिकअप पॉइंट। बारह बज के 13 मिनट के समथिंग हो रहा है और अभी हम पहुंचे हैं एक होल्ड के लिए। हमारी इस बस का ऑफिशियली तो मेरे ख्याल से बोल सकते हैं ये राजकमल होटल है, बगोदरा के जस्ट पास में ही है बगोदरा। यहाँ से चाय लिए। मुझे एक बहुत कंप्लेन आती है कि जो JSRTC की मतलब होल्ट होते हैं वो बहुत ही घटिया होते हैं, तो मेरे ख्याल से कई कई जगह पे अच्छी होती है, कई कई जगह पे भी खराब होती है। देख लीजिए, ये कुछ है राजकमल होटल बगोदरा पे। यहाँ पे चाय लिए मैंने, क्योंकि आपको नाइट जर्नी दिखानी है तो चाय तो बनती है ना। 10 रुपये दिए इसका, तो प्राइस तो ठीक है, अब उसके हिसाब से ठीक है। यहाँ पे 10 से 15 मिनट खड़ी रहेगी, फिर देन यहाँ से निकलेंगे राजकोट की ओर, फिर देन जामनगर और फिर देन जाम खंबड़े और पहुंचेंगे हम सुबह अर्ली मॉर्निंग में हमारे देवभूमि द्वारका के लिए। तो चलिए चलते हैं हम आगे की ओर।
पैसेंजर उतर के ते 3:30 बज गए और अभी हम पहुंचे हैं राजकोट बस स्पॉट। यह है राजकोट बस स्पॉट का नज़ारा। 9 नंबर के प्लेटफॉर्म पे लगी हमारी बस। 50% जर्नी यहां तक हमने कंप्लीट की और 50% अभी भी और बाकी आगे की ओर। पहले चलते हैं, जर्नी को कंटिन्यू करते हैं टूवर्ड्स हमारे देवभूमि द्वारका के लिए। જામનગર બસ સ્ટેન્ડ વાળા આવી જજો। राइट 5:30 बजने को आए और अभी हम पहुंचे हैं जामनगर बस स्टैंड। जामनगर बस स्टैंड का सुबह का नज़ारा। यहाँ पे JSRTC की एक्सप्रेस बस खड़ी है, देख लीजिए। यह है जामनगर बस स्टैंड का नज़ारा। सो मेरे ख्याल से यहाँ से भी जो मिनी बस से चलती होगी JSRTC की, जो वो खड़ी है जामनगर से द्वारका के लिए, मेरे ख्याल से मे बी पॉसिबल हो सकता है, आप देख लीजिए। चलिए चलते आगे की ओर। साढ़े 6:00 और अभी हम पहुंचे हैं जाम खंबाड़िया, देख लीजिए। खंबाड़िया भी बोल सकते हैं आप। अभी यहाँ से 90 किलोमीटर रह गया हमारा देवभूमि द्वारका। चलिए चलते हैं। अभी यहाँ पे 1 मिनट का ही स्टॉप है, ऐसा कुछ है जाम खंबाड़िया का बस स्टैंड। एक कैंटीन 24 घंटे चालू रहता है। चलिए चलते हैं। जेंटी
वैसे यहाँ से आप जा सकते हैं पोरबंदर, और अभी यहाँ से हम लेंगे राइट और जाएंगे हम देवभूमि द्वारका की ओर। फिलहाल वो रोड बंद है और यहाँ से कोस्टल हाईवे स्टार्ट होता है जो ओखा से लेके भावनगर की ओर, मतलब पूरा लंबा कोस्टल हाईवे है। अभी फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, कई जगह पे बन चुका है, कई जगह पे नहीं बना है। अभी आपको यहाँ से ड्राइवर कैबिन व्यू दिखाएंगे कोस्टल हाईवे का द्वारका तक। चलिए मुझे मंदिर तो दिख गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। हो रहा हमारा द्वारिकाधीश टेम्पल और ये है द्वारिका नगरी। और ये रहा मेन गेट, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। टाइम देख लीजिए, अभी हम पहुंच चुके हैं द्वारका बस स्टैंड। ये है द्वारका का बस स्टैंड। सो ये पैसेंजर अभी डिबोर्ड कर रहे हैं। आपको कैसी लगी नई बस? बहुत अच्छी लगी ना? हमारे ड्राइवर साहब को थैंक यू को यहाँ पे पहुँचाने के लिए इस वाली नई बस में। फर्स्ट टाइम फर्स्ट डे सो है इनके साथ। क्या नाम बताया था आपका? रितेश भाई चौधरी। रितेश भाई, और कैसी लगी आपको गाड़ी? बहुत बढ़िया भाई। बढ़िया, ठीक है ठीक है सर। चलिए अभी चलते हैं, मैं आपको रिव्यू दिखा देता हूँ। पहले अंदर से एक बार दिखा देता हूँ सुबह के टाइम। देख लीजिए सुबह में ऐसा दिखता है अंदर से, पर्पल कलर में, और ऊपर सोफे ऐसा है। अब देख लीजिए बहुत ही प्यारी बनाई है। मैं GSRTC को हैट्स ऑफ बोलना चाहता हूँ। और ये रहे हमारे कंडक्टर साहब, थैंक यू। क्या नाम था आपका? जीतू भाई। सो यही आपको मिलेगा ना? ठीक है ठीक है। सो देख लीजिए, आपको आगे से आपको दिखा दूं मैं। पहले ये हमारी बस मेहसाना टू द्वारका, ये रूट बोर्ड है। और ऐसी कुछ आगे से दिख रही है, द्वारका का बस स्टैंड है। देख लीजिए GSRTC की बैजिंग की हुई है स्लीपर कोच। इसमें जो है हाइट बढ़ाई है, और साथ ही साथ कलर को चेंज किया है, डिज़ाइन को चेंज किया है, लुक को चेंज किया है। फिलहाल आपने देखा जो बस और जो रूट
और जो टाइमिंग सब कुछ बढ़िया है और बस को आपको मैंने दिखाई बहुत ही A1 बनाई है JSRTC को, मेरा हैट्स ऑफ है। तो टाइम आपको मैं दिखा दूँ फिर से, राइट 9 बज गए हमको यहाँ पे, ये है द्वारका का बस स्टैंड। 14 घंटे की जर्नी हमारी रह चुकी इस वाली बस में, 7 बजे वहाँ से हम निकले थे, देन महसाना से डायरेक्ट अहमदाबाद, अहमदाबाद से राजकोट, फिर जामनगर, खंबाड़े और देन यहाँ पे देवभूमि द्वारका। रही बात फेयर की, तो मुझे 370 रुपीज लगा है सीटिंग का, मतलब बैठने के लिए। अगर आपको स्लीपर में आना है तो आप 80 रुपए ज्यादा देकर आप स्लीपर में भी आ सकते हैं। इस वाली बस का रिटर्न टाइम है रात को 9:15 को निकलती है द्वारका से महसाना के लिए। यहाँ से जो टेम्पल है द्वारकाधीश टेम्पल, वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आप यहाँ से 200-300 मीटर के समथिंग ही है। मैं लास्ट में आपको मंदिर का जो व्यू ऑफ पॉइंट है वो आपको दिखा दूंगा सिनेमेटिक शॉट के साथ। तो बस वीडियो को यहीं रखता हूँ, अभी मिलता हूँ नई जर्नी के साथ, नए रूट के साथ, नए सफर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।